चैनल आज है 27th May 2021 और आज दिन है थर्सडे का और एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे सुपरनोवा नाम का प्रोजेक्ट है और किसी का वेट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है शिशिर और मैं डेली डेली NCR के वीडियोस डालता हूँ, स्पेशली नोएडा के वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो आपको 210 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे डेली NCR के बारे में। तो अगर आपको डेली NCR स्पेशली नोएडा के वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली दिन थोड़ा सा बिजी है क्योंकि कुछ मीटिंग्स हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं आज सेक्टर 100 के बारे में। सेक्टर 100 जो है एक काफी रिनाउंड रेसिडेंशियल सेक्टर है क्योंकि यहां पे लोटस बुलेवर्ड है और इसके आसपास काफी रिनाउंड सेक्टर है, जैसे सेक्टर 107 हो गया, 104 हो गया, 99 हो गया। और सेक्टर 100 में प्लॉट्स हैं, अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं और लोटस बुलेवर्ड जो काफी रिनाउंड सोसाइटी है वो है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लिप्स देखिए और फिर मैं मिलता हूं आपसे आगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा आपने देखा, ये है सेक्टर 100 नोएडा। सेक्टर 100 नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ ही है, यहां से हार्डली 2 किलोमीटर में नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ जाता है और यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, आपको अथॉरिटी के फ्लैट्स मिल जाएंगे और आपको रेसिडेंशियल सोसाइटी मिल जाएगा लोटस बुलेवर्ड। लोटस बुलेवर्ड जो है काफ़ी फेमस है। तो अभी एक पूरा राउंड लगाएंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे प्लॉट्स वाला एरिया जिसमें मैं अभी आया हूँ, एक राउंड लगाते हैं प्लॉट वाले एरिया में और सामने देख सकते हैं आप, सामने ये जो फ्लैट्स दिख रहे हैं आपको, ये है लोटस बुलेवर्ड। तो यहाँ पे एक स्टेट बैंक का ब्रांच भी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा प्लॉटिंग वाले एरिया है, हर जगह प्लॉट्स ही प्लॉट्स है जिसमें लोगों ने घर बनाए। और ये जो बाउंड्री अभी आप देख रहे हैं, ये पाथवे स्कूल की बाउंड्री है। सेक्टर 100 में पाथवे स्कूल है जो कि हमारे कंट्री के टॉप 10 स्कूल्स में से एक है और सेक्टर 100 में होने की वजह से अगर आप यहाँ पे रहना प्लान कर रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा। और सामने ही आप अगर देखें, ये रोड सीधा नोएडा एक्सप्रेसवे से आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पाथवे स्कूल की एंट्री एग्जिट और जो पीछे आपको फ्लैट्स दिख रहे हैं, ये लोटस बुलेवर्ड और लोटस स्पेशिया वाले टावर्स हैं। यहाँ पे लोटस बुलेवर्ड नाम की सोसाइटी है। लोटस बुलेवर्ड दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक नॉर्मल लोटस बुलेवर्ड और स्पेशिया जिसमें बड़े फ्लैट्स हैं। तो ये है लोटस बुलेवर्ड और लोटस स्पेशिया की एंट्री एग्जिट। मैंने इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको लोटस बुलेवर्ड का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। और अगर आप सामने देखें, ये रोड बहुत चौड़ी है और सामने सेक्टर 107 है। तो 107 का भी मैंने एक्चुअली वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, एक बहुत ही चौड़ी सड़क है यहाँ पे जो सीधा सेक्टर 46 को जाता है और लेफ्ट में ये MIG फ्लैट्स है, ये 2 BHK हैं जो अथॉरिटी ने अलॉट किए थे। तो सेक्टर 100 में जैसा मैंने आपको बताया, प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और अथॉरिटी के ये फ्लैट्स हैं। तो इन तीन सेगमेंट्स में सेक्टर 100 बटा हुआ है। और लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही टैक्टिकल लोकेशन है, चारों तरफ से वेल कनेक्टेड है। नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ एक तरफ कनेक्टिविटी है, एक तरफ दादरी रोड की कनेक्टिविटी है, एक तरफ सेंट्रल नोएडा की तरफ कनेक्टिविटी है।
तो ये जो आपको सेंचुरी अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं, और उसके पीछे जो आपको दिख रहे हैं वो लोटस बुलेवर्ड है। तो ये था सेक्टर 100 का एक छोटा सा ओवरव्यू, इससे आपको आइडिया लग जाएगा सेक्टर 100 में क्या क्या है। और जैसा कि आपने देखा सेक्टर 100 काफ़ी अच्छी तरीके से लोकेटेड है, एक तरफ नोएडा एक्सप्रेसवे है, एक तरफ दादरी रोड है, और ये दोनों ही आपको अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप नोएडा एक्सप्रेसवे टच कर सकते हैं, अगर आपको अक्रॉस नोएडा कहीं जाना है तो दादरी रोड से आप जा सकते हैं। और इसके आसपास काफ़ी सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 107 हो गया जिसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाया हुआ है, और सेक्टर 104 हो गया, और सेक्टर 100 में एक काफ़ी रिनाउंड सोसाइटी है लोटस बुलेवर्ड के नाम से, इसके बारे में भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और सेक्टर 100 में हर चीज़ का मिक्स है, जैसे कि आपने देखा प्लॉट्स है जिसमें लोगों ने विलास बनाए हुए हैं और कोठीज बनाए हुए हैं, और लोटस बुलेवर्ड इट्सेल्फ काफ़ी रिनाउंड सोसाइटी है, और नोएडा अथॉरिटी के यहाँ पे फ्लैट्स भी है जो कि 2 BHK है, तो एक अच्छा मिक्स है, आसपास अच्छी जेंट्री रहती है, और एक काफ़ी रिनाउंड स्कूल है पाथवे स्कूल जो कि मेरे हिसाब से टॉप 10 स्कूल्स में आते हैं इंडिया के, और आसपास की जो रिहाइश है वो काफ़ी टाइम से रह रही है, तो इस वजह से जो कमर्शियल नीड की आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, जैसे आपको डेली नीड्स सब्जी लेना या फिर जो घर की डेली एसेंशियल्स है वो आपको सोसाइटी के अंदर ही, और आसपास जो आपने देखा जो अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है जिससे आपको सब्जी वब्जी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह से डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ नोएडा के अलग अलग जगह के बारे में, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ, और इसी तरह से मैं डेली वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।